आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में कल से सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 10 दिवसीय यह अभियान है जो 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। 1365 के लगभग कार्यकर्ता हैं स्वास्थ्य के, जो आपके पास पहुंचेंगे, घर घर पहुंचेंगे और टीवी रोगियों की पहचान की जाएगी। किस तरीके से ये अभियान चलेगा, क्या क्या इसकी तैयारियां कर ली हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए हम आज पहुंचे जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर ए के सिंघल के कार्यालय में और उनसे एक लंबी बातचीत के दौरान हमने जाना कि किस तरीके से यह अभियान घर घर पहुंचेगा। दोस्तों, अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपके घर तक आते हैं तो निसंकोच होकर के बिल्कुल खुले मन से जो वो पूछते हैं उसका जवाब दीजिए, इससे टीवी की पहचान बहुत ही आसान हो जाएगी। सर, पूरे प्रदेश के साथ राजधानी लखनऊ में भी सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान कल से आरंभ हो रहा है, ट्रेनिंग वगैरह भी हो चुकी है, तो सर किस तरीके से अभियान चलेगा, कितनी टीमें हैं और किस तरीके से घर घर जाकर के क्षय रोगी ढूंढे जाएंगे? लखनऊ में जो टोटल पॉपुलेशन करीब हम 55 लाख की पॉपुलेशन को कवर करते हैं, जिसका 20% हमको पॉपुलेशन को कवर करना है और ये एक्टिविटी हमारी 23 नवंबर से स्टार्ट होकर के और 5 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें करीब 10 दिन छुट्टियों को छोड़ करके 10 दिन एक्टिविटी चलाई जाएगी और इसके लिए हमारे 90 सुपरवाइजर लगाए गए हैं पूरे जनपद में और उसकी 450 टीमें हैं और 1350 करीब हमारे वर्कर हैं, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी, टीवी चैंपियंस और कुछ एनजीओ के लोग हैं जिनको इंक्लूड करके हमने टीमें बनाई हैं और जिनकी ट्रेनिंग हमने सभी जगह पर इंश्योर हो गई हैं, सभी जगह ट्रेनिंगें हो गई। जो भी हमारे प्रचार प्रसार के मटेरियल आने थे वो भी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और कल से हमारी एक्टिविटी, ये डोर टू डोर एक्टिविटी चलनी है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता घर घर जा करके जो भी टीवी से लक्षण है, जिनको भी संभावना लगती है, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और मौजूद हैं वहाँ उनकी हम जाँच कराते हैं। इस तरह से हम लोग सक्रिय खोजी अभियान, जो एक NDTV स्ट्रेटजी या टीवी को हमको 2025 तक उन्मूलन करना है, उसके तहत हम इस योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, 1350 अगर हम टोटल टीम की अगर हम बात कर लें तो 1350 और 12 लाख से ज्यादा की आबादी की स्क्रीनिंग सर संभव हो पाएगी? स्वास्थ्यकर्ताओं की कमी नहीं है सर, और जो संख्या है जिनकी स्क्रीनिंग होनी है वो संख्या बहुत ज्यादा है, कैसे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? जनपद में जो 12 लाख पॉपुलेशन को कवर करने का टास्क है, उसके लिए हमारे पास 450 टीमें बनी है, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं और एक दिन में टीम को 60 घर कवर करना होता है और इस तरह से ऑलमोस्ट हमारी टीमें एक दिन में 1 लाख के अराउंड का थोड़ा बहुत ज्यादा कर लेंगे, तो हम 10 दिन में एक्टिविटी इसको पूरी कवर कर लेंगे, हमारी टीमें कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। सर, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे कि जब ये टीमें घर घर पहुंचेंगी तो किस तरह से सहयोग करें और क्या क्या लक्षणों के बारे में पूछा जाएगा, वो भी थोड़ा सा सर जनता? जी बिल्कुल, देखिये हमारे जो लक्षण टीबी के लक्षण है कि 2 हफ्ते या उससे ज्यादा से खांसी आ रही हो, बुखार आ रहा हो, भूख ना लग रही हो और उनका वजन घट रहा हो और कहीं कहीं रात के समय पसीना आना, ये 4 या 5 लक्षण जो हैं अगर किसी के अंदर हैं तो बेझिझक लोग बाहर आएं और लोगों जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि इसको अपने सरमाए नहीं, जिसके नहीं, और अपनी जांच जरूर कराएं। जब भी हमारे कार्यकर्ता उनके दरवाजे पर जाएं और उनसे अगर ये लक्षणों के बारे में पता करें तो सरमाए नहीं और बिल्कुल छुपाए नहीं, आप बाहर निकल करके उसको बताएं, जिससे जनता को जागरूकता फैले और हमारे टीवी मुक्त जो गांव है, भारत का सपना देखा जा रहा है, उसमें साकार हो और लोगों का सहयोग मिले, इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे।